कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजमहल में आकर चोरी करने की, तो कहने लगा मैं चोर नहीं हूँ। महाराज अब सच झूठ का फैसला आप ही कीजिए। नहीं नहीं महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। आप मेरी पूरी बात सुनिए और उसके बाद अपना निर्णय लीजिए। ठीक है, तुम अपनी बात कह सकते हो। महाराज मैं कौशाम्बी नगरी का रहने वाला हूँ। वहाँ मेरे पिताजी कश्यप राज पुरोहित थे। उनके शांत होने के बाद वहाँ कोई और राज पुरोहित बन गया। मेरी माँ ने मुझे यहाँ श्रावस्ती नगरी विद्या अध्ययन के लिए भेजा है। अच्छा, तो तुम राज पुरोहित कश्यप जी के पुत्र हो, उन्हें तो मैं अच्छे से जानता हूँ। हाँ महाराज, मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। यहाँ आके मुझे एक दासी से प्रेम हो गया और उसी दासी को वसंत उत्सव में जाने के लिए कुछ गहने और कपड़े चाहिए थे। उसने मुझसे पैसे मांगे, पर महाराज मैं ठहरा एक साधारण ब्राह्मण आदमी। मेरे पास इतने पैसे कहाँ, पर फिर मैंने किसी से सुना कि जो ब्राह्मण आपको सर्वप्रथम दर्शन देता है आप उसे 2 मासा स्वर्ण मुद्रा देते हैं। बस इसी लालच में मैं महल सुबह होने के पहले भागा चला आया। ब्राह्मण देव, आपकी सत्यता और भोलेपन पर हम अत्यंत प्रसन्न हुए। आप 2 मासा नहीं जितना चाहे उतना मांग सकते हो। क्या महाराज आप सत्य कह रहे हैं, 2 मासा से भी अधिक? हाँ उससे भी अधिक, यह मेरा वचन है। तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। क्या सोचने लगे तुम? कुछ नहीं महाराज, बस सोच रहा था क्या मांगू आपसे। एक काम करो, तुम बाहर उद्यान में जाकर आराम से सोच लो, फिर मुझे यहाँ आकर बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। जी महाराज, जैसी आज्ञा। क्या दूं, क्या मांगू? 2 मासा ही मांगू, लेकिन वो तो कल तक खत्म हो ही जाएगा। एक काम करता हूँ, 10 मासा मांगू। नहीं नहीं कम पड़ रहा है, 100 मासा मांग लेता हूँ। हाँ नहीं, लेकिन वो भी 1 हफ्ते में तो खत्म हो ही जाएगा। आप ही बताओ कितना मांगू। एक काम करता हूँ, 500 मासा मांग लेता हूँ। नहीं 1,00,000 मासा मांग लेता हूँ। हाँ यही ठीक रहेगा। नहीं 10 गांव मांग लेता हूँ। हाँ इसमें मुझे कभी पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही ठीक है। नहीं कुछ ऐसा मांगता हूँ कि मेरी 7 पीढ़ियों को भी कभी पैसे कमाने की जरूरत ना पड़े। हाँ एक काम करता हूँ, राजा का आधा राज्य ही मांग लेता हूँ। हाँ यही सही रहेगा, आधा राज्य। पर नहीं, कल अगर राजा के बेटे ने मुझ पर हमला कर दिया तो? मैं तो ठहरा एक ब्राह्मण आदमी। एक काम करता हूँ, राजा का पूरा राज्य ही मांग लेता हूँ। हाँ पूरा राज्य ही मांग लेता हूँ। नहीं क्या इसमें राजा की उदारता का सही मायने में मांग रहेगा? आधा राज्य ही ठीक है। नहीं नहीं कुछ गांव भी सही। नहीं कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी सही। हे भगवान, इन इच्छाओं और लोक ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं तो यहाँ विद्या अध्ययन करने आया था और कहाँ इन लोभ और माया के चक्कर में पड़ गया। धिक्कार है मुझे खुद पर, धिक्कार है। ऐसा सोचते सोचते कपिल ब्राह्मण आत्मध्यान में लीन हो जाते हैं और उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त होता है। देव धुंधु भी बचने लगती है। बोलिए कपिल केवली।